स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज तारीख है 28 जून 2024 और आज का वीडियो होने वाला है पूरनपुर से मैलानी के बीच में एक रेल यात्रा का। ये रेल यात्रा होने वाली है 0-54-93 ट्रेन में, जो कि शाहगढ़ से डालीगंज के बीच में चलती है। पूरनपुर स्टेशन पर इस ट्रेन के लिए भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा है। पूरनपुर में जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जो है हाइब्रिड LHB का एक रेक खड़ा है, जो कि पहले त्रिवेणी एक्सप्रेस के साथ चलता था। ऐसे ही रेक जो है एक माला पर खड़ा है और एक शाहगढ़ स्टेशन पर भी खड़ा है। पूरनपुर में टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। ट्रेन नंबर 0-54-93 जो है वो शाहगढ़ की तरफ से आ रही है। इसका यहाँ आने का टाइम जो है वो है 5:30 और 5 मिनट यहाँ इसका स्टॉप है, और 5:35 पर ये यहाँ से जाएगी। लोकोमोटिव इज्जत नगर का लगा है वेब 4। शाहगढ़ से ये ट्रेन जो है लगभग पूरी खाली आती है। चलिए ट्रेन को बोर्ड करते हैं। अभी ये यहाँ पर 5 मिनट रुकेगी और पूरनपुर स्टेशन पर जो कैंटीन है वो भी खुल चुकी है, लेकिन अभी यहाँ पर जो है पैकेज्ड फूड ही मिल रहा है। चाय वगैरह जो है वो अभी यहाँ पर नहीं मिल रही, कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स मिल रहे हैं अभी केवल। 5:35 हो चुके हैं और पूरनपुर से जो है वो डिपार्चर हो रहा है। ये जो लेवल क्रॉसिंग दिख रही है ये है शेरपुर वाली लेवल क्रॉसिंग। पूरनपुर से मैलानी के बीच में जो है 5 जगह रुकती है ट्रेन, और पहला स्टॉप जो है वो आ रहा है इसका
रिकॉर्ड हार्ड। ये पहला स्टॉप था पूरनपुर के बाद, इसके बाद ये ट्रेन रुकेगी दुधिया खोड़ पर। स्टेशन के पीछे ही देसी शराब की दुकान है। मैलानी ये ट्रेन जो है वो पहुंचती है 6:40 पर और पूरनपुर से चलती है 5:35 पर, तो टोटल ये लेती है लगभग 1 घंटा 5 मिनट पूरनपुर से मैलानी के बीच में। ये है पूरनपुर से मैलानी के बीच का टिकट, किराया है 10 रुपये और दूरी है 33 किलोमीटर। ट्रेन जो है वो पहुंच रही है दुधिया खुर्द स्टेशन पर। और यहाँ फन फैक्ट ये है कि जो दुधिया खुर्द गाँव है वो दुधिया खुर्द स्टेशन से दूर है, और जो दुधिया खुर्द स्टेशन के पास गाँव है उसका नाम है धर्मापुर। अभी यहाँ पर जो लूप लाइन्स हैं उन पर जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की ही है, तो ट्रेन जो है लूप लाइन्स पर काफ़ी धीरे हो जाती हैं। दुधिया खुर्द स्टेशन दा पर जो ऊपर रा लगा था वो हटा दिया यहाँ पर खुरापाती करतो ने। छोटी लाइन के टाइम पर ये पेड़ जो है बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, अब इन पेड़ों को जो है इस साइड से देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इस तरफ से जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के चक्कर में पूरे ही पेड़ को जो है वो यहाँ पर छांट दिया गया है। इस पूरे ही रूट पर इसी तरह सभी स्टेशनों पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे।
इसी तरह से ये भी पेड़ है, इसे भी इस तरफ से छांट दिया गया है। और जो सबसे ज़्यादा बड़े बड़े पेड़ हैं वो अभी आगे स्टेशन आएगा कुर्रैया, जिसे अब हॉल्ट कर दिया गया है, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं। फिर दो प्लेटफॉर्म्स हैं, एक मेन लाइन, और यहाँ पर भी देखिए जो यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं उन्होंने दूधिया को ही पूरा हटा दिया साइन बोर्ड से, और बोर्ड को भी तिरछा कर दिया है। दूधिया खुर्द स्टेशन से निकलने के बाद तुरंत आता है जुकना नदी का ब्रिज, छोटी सी नदी है, नदी का नाला ही कहेंगे। बाद आएगा कुर्रैया हॉल्ट, अभी इस रूट पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो शायद 90 या 100 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। ट्रेन जो है वो स्लो हो रही है क्योंकि आगे जो है कॉशन है 20 किलोमीटर प्रति घंटा का। यहाँ पर मुश्किल से 200 या 250 मीटर के लिए जो है वो स्पीड का कॉशन है, सामने आप लोगों को जो है वो बोर्ड दिख रहा होगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी छोटे से जंगल के लिए ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन है। ये छोटी सी रेंज है फॉरेस्ट की, बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसके लिए स्पीड रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे देखिए जंगल के बीच में खेत भी हैं, तो ये स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है वो मेरी समझ में जो है वो नहीं है बिल्कुल भी। देखिए बीच में खेती हो रही है और ये बिल्कुल छोटा सा जंगल है और छोटा सा टुकड़ा है इस तरफ। ये सारा एरिया होगा मुश्किल से 200 या 300 मीटर का, जहाँ ट्रेन को धीरे किया जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में। बस ये इतना सा एरिया था, ट्रेन ने फिर से स्पीड जो है वो पकड़ ली है। ये ख़त्म हो गया जंगल, इस जंगल के आर पार आप देख सकते हैं बिल्कुल, बहुत छोटी सी रेंज के लिए जो है वो यहाँ पर स्पीड कम की गई ट्रेन की। और एक स्पीड रेस्ट्रिक्शन आएगा ठीक मेलानी जंक्शन से पहुँचने से पहले, और ये
ये वाला जो था स्पीड एक्सटेंशन, ये था दुधिया खुर्द और कुर्रैया के बीच में। अब आएगा कुर्रैया हॉल्ट। कुर्रैया हॉल्ट जो है वो आ रहा है। कुर्रैया हॉल्ट पर आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, और कुर्रैया हॉल्ट जो है वो कभी मीटर गेज के टाइम पे, छोटी लाइन के टाइम पे जो है स्टेशन हुआ करता था यहाँ पर कुर्रैया हॉल्ट। ये गनीमत रही कि यहाँ पर पेड़ जो है ये बड़े बड़े वो बचा लिए गए। कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर। आओ जल्दी आओ। ये हैं कुर्रैया हॉल्ट के बड़े बड़े पेड़। मीटर के टाइम पे भी ये स्टेशन बहुत सुंदर हुआ करता था, और यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेन को बोर्ड और डीबोर्ड किया है। और कुर्रैया हॉल्ट पर जो बिल्डिंग है स्टेशन की, वो पुरानी मीटर गेज के टाइम की ही बिल्डिंग है। इसी को जो है वो पेंट करके दोबारा यहाँ पर बना लिया गया। और ये शौचालय हुआ करता था पहले जब स्टेशन था ये, छोटी लाइन के टाइम पर। कुर्रैया से निकलने के बाद अब इसके बाद स्टेशन आएगा सेहरा माऊ, और सेहरा माऊ के बाद एक हॉल्ट आएगा और अकेला अंशपुर, और उसके बाद आएगा मैलानी। सेहरा माऊ स्टेशन जो है वो पहुंच रही है ट्रेन, और यहाँ की भी एक ख़ास बात है कि जो सेहरा माऊ गाँव है वो यहाँ से दूर है, और जो सेहरा माऊ स्टेशन के पास गाँव है उसका नाम है जोगराजपुर। तो यहाँ के लोगों की कई बार डिमांड रहती है कि इस स्टेशन का नाम जो है वो जोगराजपुर होना चाहिए। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर एक पर पेड़ थे कई सारे, इन्हें पता नहीं क्यों काट दिया गया है। ये भी जल्दी काटा लग रहा।
सेहरामऊ स्टेशन पर भी दो प्लेटफॉर्म्स हैं, और यहाँ सारे स्टेशनों पर जो है वो हाई लेवल प्लेटफॉर्म्स हैं, और जो हॉल्ट हैं उन पर मीडियम लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं, और ग्रीन सिग्नल जो है वो मेन लाइन पर हो चुका है, लेकिन येलो सिग्नल अभी लूप लाइन पर नहीं हुआ है। सेहरामऊ से डिपार्चर, छः बजकर 16 मिनट पर यहाँ पर डिपार्चर हो रहा है सेहरामऊ से। क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, सेहरामऊ के बाद आएगा अकेला हंसपुर हॉल्ट, और उसके बाद जो है मैरानी जंक्शन आ जाएगा। हंसपुर हॉल्ट, ये हॉल्ट भी काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ पर भी जो प्लेटफॉर्म है वो मीडियम लेवल का है। हंसपुर से डिपार्चर, ये अकेला हंसपुर की छोटी सी बिल्डिंग, यहाँ पर हंस बनाए हुए हैं बिल्डिंग पर। अकेला हंसपुर
अकेला अंशपुर के बाद एक कर्व आता है, उसके बाद ट्रेन जो है मैलानी से पहले जो फॉरेस्ट आता है उसमें चली जाती है, और स्पीड रेस्ट्रिक्शन जो है वो यहाँ पर भी 20 किलोमीटर प्रति घंटा का है। ये छोटी सी फॉरेस्ट रेंज है मैलानी से पहले, और यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा का जो है कॉशन है। और इस जंगल से निकलते ही तुरंत जो है वो मैलानी जंक्शन आ जाएगा, और मैलानी का डिस्टेंस सिग्नल जो है वो डबल येलो है। जंगल से बाहर आ गई है ट्रेन, छोटा सा ये भी जंगल का रेंज छोटी सी, और स्पीड रेस्ट्रिक्शन ख़त्म होने के बाद दोबारा स्पीड जो है वो बढ़ गई है, और अब आ रहा है मैलानी जंक्शन। और ये जो रोड है ये है मैलानी से पलिया जाने वाली रोड, और इस तरफ आप लोगों को एक लाइन दिखाई रही होगी, ये आ रही है नानपारा की तरफ से छोटी लाइन। मैलानी से नानपारा के बीच में जो है छोटी लाइन की रेलगाड़ियां जो है वो चलती हैं। ये है वो छोटी लाइन जो नानपारा की तरफ जाती है। छोटी लाइन के टाइम पर यहाँ पर पैरेलल में दोनों ट्रेनें जो दो ट्रेनें जो हैं, एक ट्रेन नानपारा की तरफ और एक ट्रेन पूरनपुर की तरफ जो है इकट्ठी निकला करती थी सुबह सुबह। जिन लोगों ने सफ़र किया होगा यहाँ से सुबह सुबह 7 बजे के टाइम पे दोनों ट्रेन निकलती थी, उन लोगों को याद होगा। छोटी लाइन के टाइम में मैलानी जो है वो बहुत बड़ा जंक्शन हुआ करता था, यहाँ पर हर आधे घंटे में कोई ना कोई ट्रेन जो है वो आती रहती थी। ये है मीटर गेज का ट्रैक, और ये मैलानी का यार्ड छोटी लाइन का, और हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है मैलानी में। मैलानी में जो ब्रॉड गेज के हैं वो 2 ही प्लेटफॉर्म्स हैं अभी। छः बजकर 30 मिनट हो चुके हैं और ट्रेन अपने टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच रही है। सामने YDM4 स्टार्ट खड़ा है।
जिन लोगों ने छोटी लाइन के टाइम पर यात्रा की है मैलानी जंक्शन में, उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पर जो है 10 से 15 खान पान के स्टॉल हुआ करते थे मैलानी में, लेकिन अब एक भी स्टॉल जो है वो मैलानी जंक्शन पर नहीं है। ये है बड़ी लाइन होने का फ़ायदा। फिलहाल ट्रेन जो है वो मैलानी जंक्शन पहुँच चुकी है और हमारी यात्रा जो है वो यहीं पर समाप्त होती है।